नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान इन स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है एंजल वन का या फिर ज़ेरोधा का, देन आपको यह अकाउंट ज़रूर खोलनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। और एंजल वन में खोलेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 5 पैसा नहीं लगेगा, 5 मिनट में अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है, खोल सकते हो वहाँ पे। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म शेयर्स के लिए, पोजिशनल स्विंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए आपको अगर ज्वाइन करना है, ये सब जानना है, तो आपको मेरे जो नया टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपसे वहाँ से भी नहीं खुलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया करूँगा। दोस्तों, आज की ट्रेड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज का ट्रेड में बिल्कुल कोई पोजिशन बना ही नहीं, सारा दिन ऐसे ही बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। जस्ट जो मेरे पोजिशनल स्टॉक्स थे वहीं से कुछ अच्छा हुआ, बाद बाकी कुछ नहीं हुआ। आज का ट्रेड तो ऐसे ही चला गया। एक चीज़ तो आप लोगों ने नोटिस ज़रूर किया होगा कि मार्केट में अभी कुछ जो सेक्टर्स हैं वो जस्ट फ्लैट चल रहे हैं, मतलब सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम ये शेयर एकुमुलेट करें तो ज़बरदस्त होगा। जैसे एच डी एफ सी लाइफ आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आपका डे ट्रेडिंग में ही कोई पार्टिकुलर शेयर अगर एक साइडवेज मूवमेंट करता है तो उसमें आइदर साइड आपको अच्छा ब्रेक मिलता है, ये साइकोलॉजिकल की बात है। तो वैसे ही अगर इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखे, अगर साइडवेज रहे और एक बार ये ब्रेक दिया तो आइदर साइड कहीं पे भी ब्रेक दें तो अच्छा खासा मूवमेंट देता है। तो इन सब चीज़ों का आपको फोकस करना है, ये सब चीज़ें आपको जानना है। ट्रेड नहीं होता है कोई बात नहीं, ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि अभी का जो मार्केट टाइमिंग है ना, तो उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। नहीं चाहिए हमें फर्स्ट हाफ मतलब खुलते ही ट्रेड हो जाए, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, फिर जाके ट्रेंड बनता है तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीकैब में बात करते हैं, ये कल का इंटरडे स्टॉक है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब की बात करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल्स की बातें हो ही जाए। पॉलीकैब में एक फ्लैग या फिर आप डबल टॉप भी बोल सकते हो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, या फिर एक बड़ा सा उसमें देखेंगे फ्रेम में, तो आपको एक नॉर्मल फ्लैग एंड पोल पैटर्न हम बोल सकते हैं, पूरा पूरी नहीं है लेकिन बोल सकते हैं, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का बन रहा है। तो इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको आइदर साइड ब्रेक मिलेगा, सिर्फ टेक्निकल की बात करेंगे, ठीक है। और अगर हम साइकोलॉजिकल की बात करेंगे तो साइकोलॉजिकल के हिसाब से अगर चले तो कल आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेट करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ, गैप अप हुआ, आप एंट्री कर ली, ऐसा नहीं, थोड़ा सा वेट करके ऑब्जर्व करके फिर जाके एंट्री कीजिएगा। और बात बाकी आपसे यहाँ पे डे ट्रेडिंग में, यहाँ पे जो इंटरडे का स्टॉक में आप एंट्री नहीं कर पाए या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मत कीजिए। आपके लिए तो फिर मेरा शॉर्ट टर्म या स्विंग पोजिशनल जो भी है वहाँ से कम आप तो 8-10 रुपये तो ईजिली कमा लोगे पर शेयर, ईजिली कमा लोगे, तो वहाँ से ले लीजिएगा, यहाँ से नहीं तो वहाँ से सही है ना। सो टुमारोज इंटरडे स्टॉक इज पॉलीकैब। इन पॉलीकैब वी हैव टू बाई अबाउट 2343, इन पॉलीकैब वी हैव टू बाई अबाउट 2343 एंड अवर मिनिमम टारगेट विल बी 2358 एंड वी हैव टू शॉर्ट सेल बिलो 2313 एंड अवर मिनिमम टारगेट विल बी 2298। ओके, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स। जस्ट ऑब्जर्व कीजिएगा, खुलते ही मार्केट एंट्री मत लीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, सस्टेनेंस पे ध्यान दीजिए, फिर जाके एंट्री लीजिएगा। ओके, थैंक यू।